हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय। इस वीडियो में नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात करूंगा। बात एक बैड न्यूज़ की करूंगा कि ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। देखिए, काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे डिस्कशन कर रहा हूं और डिस्कशन अभी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन डिस्कशन काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ही अपने करियर के साथ मजाक कर रहे हैं। आपने ही अपना सिलेक्शन रोका है। जो आज आपका सिलेक्शन अगर रुकेगा तो उसके रीज़न भी आप होंगे। सब कुछ बताऊंगा कैसे क्यों हो रहा है ये सब। तो वीडियो को पूरा एंड तक एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आज से देखा जाए तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुल मिला के 106 डेज़ बचे हुए हैं। अगर मैं इन 6 डेज़ को भी आपके उससे हटा देता हूँ, चलिए 100 डेज आपके पास बचे हैं, और टॉपिक अगर लमसम हम टॉपिक मिलाएं तो आपके पास 100 टॉपिक बचे हुए हैं, जिनमें से गारंटीड होगी कि कई सारे स्टूडेंट्स के इन 100 टॉपिक में से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कई टॉपिक ऐसे होंगे जो अभी तक उन्होंने नहीं पढ़े होंगे। चलिए ऐसे टॉपिक में आपको 20 मान के चलता हूँ। 80 टॉपिक जो है वो आपके कंप्लीट हैं। 80 में से 60 चैप्टर हैं जो आपके 100% कम्प्लीट हैं, मतलब कुल मिला के अभी आपके 40 चैप्टर कम्प्लीट्स नहीं हैं। 100 दिन में ये 40 चैप्टर्स भी कम्प्लीट करने हैं, उन 60s को रिवाइज भी करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब वो टाइम नहीं आ गया कि ठीक है नवंबर दिसंबर के मिड टाइम में जो टाइम होता था कि हर कोई आपसे, हम लोग भी आपसे बोलते थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। बिकॉज आज एक टाइम अगर आपने बर्बाद किया, एक दिन अगर आपने बर्बाद किया, तो आप अपने सिलेक्शन से एक कदम पीछे आ जाएंगे। झूठ बोलना या आपको झूठी दिलासा दिलाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मजाक आप लोग ही कर रहे हैं अपने करियर के साथ, अब कोई नहीं करेगा। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप ही अपने करियर के साथ मजाक कर रहे हैं। सॉरी टू से डैट, लेकिन बात यही सच है। आप एक बार सोचिए, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अगर आप दिन में 8 घंटे का शेड्यूल बनाए हैं तो उस 8 घंटे को शेड्यूल को आप कितनी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं आप खुद जानते हैं। अगर आप ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 8 घंटे के शेड्यूल को, आप किताब भी खुली है, सामने मोबाइल में मूवी चल रही है, बगल में रूम में कोई बैठा भी हुआ है, अगर बैठा है वो भी चल रहा है, 10 मिनट पढ़े, इतने में कोई नोटिफिकेशन आ गया मोबाइल में, उसमें घुस गए आप, 1 घंटा उसमें बर्बाद कर दिए, साथ में किताब खुली है, पेज पलटे जा रहे हैं किताब के, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, मजाक ही तो हो गया ये। आपने अपने ब्रेन को सेटिस्फाइड कर लिया कि आपने पूरे 2 घंटे लगातार पढ़ाई की, लेकिन इनडायरेक्टली जब आपका पेपर होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये आज आप उनमें घुसे पड़े हैं, मोबाइल में जितने भी सोशल मीडियाज़ होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, जितने भी आजकल चल रहे हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म, जितने भी चल रहे हैं, आप उनमें घुसे पड़े हैं। वही होगा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको उनके साथ साथ वापस कोचिंग में घुसना पड़ेगा। जब तक आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा लेंगे नहीं होगा। या ड्रग्स का एडिक्शन जो होता है ना, उससे बेकार एडिक्शन है ये, क्योंकि ड्रग्स का एडिक्शन छुड़ाना बहुत ईजी है। ट्रीटमेंट सेंटर्स में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो ड्रग एडिक्शन छुड़ा देंगे। मोबाइल एडिक्शन छुड़ाना, आजकल ऐसा कौन नहीं है जो इस ड्रग्स को लेकर नहीं घूम रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर आपका मोबाइल छीन लिया जाए, आपके दोस्त के पास होगा, आप उससे चलाने लगेंगे। मान लीजिए आप जितने एरिया में रहते हैं वहाँ से आपके मोबाइल भी छीन लिए, आप कैफेज़ पर ये मिलता है, आप कैफे पर चले जाएँ, तो ड्रग एडिक्शन है ये। इस ड्रग एडिक्शन को आपको ही रोकना है। सोचिए यार, एक सिलेक्शन लेना है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ही सिलेक्शन है, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 550 प्लस मार्क्स तक लाना है, सिलेक्शन लेना है, MBBS की सीट सिक्योर करनी है, 5 साल 5.5 साल वहाँ पढ़ने के बाद आपके पास पूरी लाइफ मिलेगी आपको। लेकिन इस टाइम अब आपको कंज्यूम करना है जो आपके पास जनवरी से लेके अब आपके पास जो 2nd of May तक का टाइम है, इस टाइम पीरियड को आपको कंज्यूम करना है। इस टाइम पीरियड में आपको अपना सिलेक्शन जो है वो सिक्योर करना है। कैसे करना है? यहाँ पे 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने 100 दिन के 100 चैप्टर का बना रखा कि डेली 1 चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स होंगे जो 100 दिन का बनाए होंगे, डेली 1-1 चैप्टर उनको कंप्लीट करना है। एक बात बताइए कि अभी तक इतना टाइम पीरियड आपके पास था, आपके पास 6 महीने थे अगर हम देखें, उन 6 महीनों में आपने कितना कवर किया? 60 चैप्टर मैंने बताए, 1 महीने में 10 चैप्टर। अब आप 1 महीने में 30 चैप्टर कंप्लीट करने की यहाँ पे प्लान बना रहे हैं। प्लान इजी तो होगा नहीं, बना तो हर कोई लेता है शेड्यूल,
वही है, मतलब कि आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना है। इस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए आपको नॉर्मली सब छोड़ना पड़ेगा भी है। अगर अब आप एक कंटिन्यूसली एक टेबल पे स्टडी करने के लिए कंटिन्यूसली केवल आपका फोकस्ड है, अगर लगातार 1-2 घंटे 1 घंटे की अगर आपने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे 1 घंटे बायो पढ़नी है, तो उस टाइम पे 1 घंटे अगर आपका पूरा फोकस आपके बुक में नहीं रहा, साइड में कहीं मोबाइल पे या बगल में किसी दोस्त पे या मन में किसी तीसरे के बारे में थॉट रहा, कुछ नहीं होगा। फिर क्या लेके आए थे आप जब प्रिपरेशन की लाइन में आए थे, तो क्या सोच के आए थे? ड्रीम है मेडिकल कॉलेज MBBS डॉक्टर टाइटल, कि जब मैं यहाँ से पेपर दे के जब घर जाऊँगा तो आसपास के लोगों को बताऊँगा कि अब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे से डॉक्टर बोलो मेरे को। ये तो सोच आए नहीं थे कि यहाँ पे आऊँगा, 1 साल पढ़ूंगा, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर घर पे जाके BSc करूँगा। BSc किसी ने सोचा है BSc करने का? मैं ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूँ, जो कंटिन्यूअसली अभी आप लोग रिपीटर्स हैं और जो यहाँ पे BSc कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, तो आप फिर आप BSc के बाद क्या करेंगे? वापस कोचिंग्स लाइन में आएंगे? आप में से काफ़ी लोगों ने फेस किया होगा, जब पिछली पहली बार में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो घर वालों से कैसे उन्होंने फेस किया होगा, वो तो सेकंड बार आपके पास होगा, आप कर पाएंगे फेस? ये इतना आसान नहीं है। अब जितना आसान हर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को हम लोग ले लेते हैं, उतना आसान नहीं है। शुरुआत में हम आते हैं, हमारे पास बहुत पोटेंशियल रहता है, एनर्जी बहुत रहती है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं कि छोड़ ही देंगे अब पेपर को, मतलब फोड़ ही देंगे। 1 महीना होता है, एनर्जी ये रहती है एनर्जी, फिर 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 9 महीने, और पेपर आते आते एनर्जी ये हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे अकेले आए थे, यहाँ पे कुछ दोस्त मिले, यहाँ पे कुछ मस्तियाँ चली, कुछ घूमने गए, मोबाइल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब यहाँ पे आ गया, यहाँ एनर्जी आ गई। इस एनर्जी को इन 3 महीनों में वापस यहाँ ले जाना है। इसके लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आपके एक दोस्त का हो जाता है, तो वो उसका अलग ही ग्रुप बन जाएगा, वहाँ जाके मेडिकल कॉलेज में जाएगा, आप वापस कोचिंग लाइन में आएंगे, दोनों साथ में जाओ ना मेडिकल कॉलेज में। जो उसे नहीं आता तुम मुझसे बताओ, जो तुम्हें नहीं आता वो तुमको बताएगा, दोनों को नहीं आता जाके टीचर से पूछो। साथ में गेम खेलने से, साथ में वीडियोस देखने से, साथ में मस्ती करने से अच्छा कि साथ में पढ़ाई करो, एजुकेशनल वीडियोस देखो, घूमने जाना है तो साथ में टीचर्स के पास जाओ, डाउट पूछो, ये करो ना। द बेस्ट वे ऑफ द सिलेक्शन, अगर आपका दोस्त सिलेक्शन रोकता है तो आप अपने दोस्त से ही सिलेक्शन करवा सकते हैं। सेकंड थिंग, पेपर्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, कोचिंग में टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या किया जाए? सोचने से क्या होगा? आज तक सोचने से किसी का भला हुआ है? टेस्ट सीरीज में 720 में से मेरे 500 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन 600 पे होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? क्यों सोच रहे हैं ऐसा? सोचने से किसी का सिलेक्शन हुआ है? सोचते सोचते टाइम बर्बाद कर दो बस, सोचो, सोचते रहोगे, रूम में बैठ जाना, लाइट बंद करके रूम में बैठ के कोने में बैठे रो रहे हैं, इससे हुआ किसी का सिलेक्शन? 500 नंबर क्यों आए हैं? क्वेश्चन कहाँ गलत हुए, कैसे क्वेश्चन गलत हुए, वो कौन देखेगा? देखने तो आपको ही है, उठाओ पेपर, गलतियां देखो, इस टॉपिक पे गलती हो रही, क्यों मेरे से इस टॉपिक पे गलती हुई, मैं तो पढ़ के गया था, अच्छा मैंने ये गलती की, दिमाग में रख लो, दीवार पे लिख लो, हाथ में लिख लो, छाती में लिख लो, जहां लिखना लिख लो, कि अगले पेपर में इस टॉपिक से अगर ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल गलती नहीं करूंगा। उस क्वेश्चन के बारे में सोचो ना, गलती क्यों हुई, मैं कहां गलती करके आया, ये सोचने से क्या फायदा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? वो तो पेपर डिसाइड करेगा ना, आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करेगी, आपको प्रिपरेशन पे भरोसा ही नहीं अपनी? नॉर्मल सी बात है यार, जस्ट थिंक अबाउट योर करियर योर ड्रीम, नॉट थिंक अबाउट एनी थिंग गोइंग इन योर राउंड्स, सराउंडिंग में क्या चल रहा है उससे क्या मतलब है यार? साथ बगल वाले रूममेट में रहता है वो लड़का, वो इस बार टेस्ट में सेकंड रैंक लाया, उसके 630 नंबर आए हैं, मेरे 420 नंबर आए हैं,
उसका सिलेक्शन हो जाएगा यार, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या करूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे कोर्स कंप्लीट करूँ, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। इतने देर में वो लड़का 620 नंबर जो चाहे 130 नंबर लाया, वो अपना एक टॉपिक कंप्लीट करने की ओर बढ़ चुका होगा। आप उसके बारे में सोच के 1 घंटा बर्बाद कर चुके हैं, जिस घंटे में आपसे जो गलती हुई टेस्ट पेपर में वो निकाल के, और जो टॉपिक आपके वीक रहेगा टेस्ट पेपर से वो निकाल के आप अपना प्रिपरेशन अच्छी करके उससे आगे निकल सकते थे, लेकिन आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। आज ही ये सब बंद करना पड़ेगा, अगर आज से ये बंद सब नहीं किया स्टूडेंट्स फिर बुरा होगा। मैं वापस अगले साल ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखेंगे। इससे अच्छा है कि वापस कोचिंग लाइन में आना, आपको ही मालूम है कि कोचिंग फील्ड की जो फील्ड है वो कितनी दर्दनाक है, कैसे कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। वापस वही सब 8 घंटे की क्लासेस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वही सब पढ़ना हो पाएगा आपसे कि 8 घंटे वही 8 घंटे आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ें। ध्यान से सोचिएगा इन सब बातों पे जो मैंने आज इस वीडियो में कही, और कुछ बातें बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन ये बातें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।